हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन की नूरपुर जोन के कर्मचारियों ने विद्युत मंडल नूरपुर में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग एंड एम्पोलेंस के आह्वान पर भोजन अवकाश के समय बिजली संशोधन कानून 2020 का जोरदार विरोध किया। यूनियन अनुसार इस कानून के लागू होने से बिजली क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर भी विपरीत असर पड़ेगा व उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। यूनियन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि 1990 में विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या लगभग 43,000 थी और उपभोक्ता लगभग 9,00,000 थे, जबकि वर्तमान में विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या घटकर करीब 16,000 रह गई है, जबकि उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 25,00,000 हो गई है, जिस कारण कर्मचारियों पर काम के बोझ के कारण कई कर्मचारी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि विद्युत बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को एक नीति के तहत विद्युत बोर्ड का कर्मचारी बनाया जाए, अनुबंधन पर कार्यरत कर्मचारियों को 2 साल में नियमित किया जाए। इस अवसर पर गनो यूनिट के मुख्य सलाहकार रमेश चंद, यूनियन सेक्रेटरी भजन सिंह, उप प्रधान पंकज पठानिया, नूरपुर यूनिट के प्रधान प्रदीप, यूनिट सेक्रेटरी अरुण सहोत्रा, सुलियाली यूनिट के प्रधान परशोत्तम सिंह व 220 केवी यूनिट के सचिव राजू सहित यूनियन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। यूनियन जैसे बताया संशोधन 2020 बिल जो सेंट्रल सरकार लाने जा रही है, इससे सरकार की तरफ से जो कर्मचारियों पे अत्याचार होगा, इसके साथ साथ कंज्यूमर जो हमारे होंगे उनके ऊपर भी बहुत सारा इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है अभी जो हम काम कर रहे हैं इसको स्वेच्छा से हम काम कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है काम करने के लिए, लेकिन आपको पता जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन मेरे कई साथी प्राइवेटाइजेशन में काम करके आए होंगे, 24 घंटे काम करना पड़ता है तब जाके दिहाड़ी मिलती है, लेकिन यहां पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे फील्ड के कर्मचारी हो गई संख्या इतने कम है, इस काम को चला रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत ही आभारी हूं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सरकार इस कोविड-19 के दौरान हमारे ऊपर एक संशोधन बिल 2020 लागू करने जा रही है। तो हमारी एम्प्लॉयज यूनियन पुरजोर विरोध करती है इस संशोधन बिल का कि ये वाला बिल जो वापस लिया जाए और ये लागू ना हो। ये थी हिम खबर वेब टीवी के लिए देवांश राजपूत की रिपोर्ट।